अभी कुछ समय पहले ही गुरुग्राम के रियान इंटरनेशनल स्कूल में हुए प्रद्युमन मर्डर केस ने देश को हिलाकर रख दिया था। इसके बाद से ही स्कूल में बच्चों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अभिभावकों के मन में एक डर सा बैठ गया। इस घटना की गंभीरता को देखते हुए हरियाणा सरकार ने इसकी जांच सीबीआई को सौंप दी थी। इसी कड़ी में सीबीआई की जांच में प्रद्युमन हत्याकांड में एक नया मोड़ आ गया है। इस मामले की जांच कर रही सीबीआई ने स्कूल के ही 11वीं के एक छात्र को हिरासत में ले लिया। अभी तक पुलिस की जांच बस कंडक्टर के आसपास घूम रही थी। गौरतलब है कि वारदात के बाद सबसे पहले बस कंडक्टर अशोक कुमार को ही गुरुग्राम पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उस वक्त आरोपी ने हत्या की बात कबूल की थी, लेकिन बाद में वो अपने बयान से ही पलट गया था। उसने कहा था कि दबाव में आकर उसने हत्या की बात स्वीकार की थी। इसके बाद भारी दबाव के बीच इस मामले की जांच सीबीआई को दी गई थी। सीबीआई की जांच में स्कूल के ही छात्र को इस हत्या का जिम्मेदार पाया गया है और उसे हिरासत में लेकर पूछताछ भी की जा रही है। सीबीआई सूत्रों का कहना है कि आरोपी छात्र स्कूल में होने वाली परीक्षा और पेरेंट्स टीचर मीटिंग को टालना चाहता था, इसलिए उसने इस वारदात को अंजाम दिया है। इस वारदात के संबंध में जांच के दौरान कई वैज्ञानिक सबूत भी मिले हैं। सीबीआई आज दोपहर को उसे जुवेनाइल कोर्ट में पेश करेगी। सीबीआई का कहना है कि सीसीटीवी में आरोपी चाकू ले जाते हुए साफ दिखाई दिया है। टॉयलेट में उसने मोबाइल पर पॉर्न फिल्म देखी थी, उसी समय उसकी नजर प्रद्युमन पर पड़ी। आरोपी ने प्रद्युमन के साथ यौन शोषण का प्रयास भी किया था, फिर चाकू से गला काट कर उसकी हत्या कर दी। आरोपी ने दोस्तों से कहा भी था कि वो परीक्षा की तैयारी ना करें, क्योंकि अब स्कूल में छुट्टी होने वाली है। स्पेशल डेस्क चन्मत न्यूज़ लखनऊ।